सबसे पहले तो पिछले बहुत से दिनों में जब से ये बाय इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं जिस जिस इलाके में इलेक्शन हो रहा है, बाय इलेक्शन हो रहा है, उनकी उनके ऊपर दिन रात 24 घंटे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों के ऊपर उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको कोई पता भी नहीं कि कहाँ ले जाते हैं, उनकी फैमिली के साथ बदसलूकियाँ वो एक मामूल बन के रह गई है, और किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो पीटीआई या पीटीआई के कारकुनान को उसके करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये जो पुराना एजेंडा है ताकतवर लोगों का इस मुल्क में, जिनके अब ये जंपिंग जैक्स जो हैं वो मुख्तलिफ हुकूमतों में अदर देन केपी विराजमान हो चुके हुए हैं, तो ये उसी एजेंडे को, उसी फस्तायत को, उसी जबर और उसी जुल्म को आगे ले जा रहे हैं, और इनकी हत्तल वसा कोशिश ये है कि बाय इलेक्शंस में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको टोटली इरेलीवेंट किया जा सके। इसके साथ साथ हमें ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि मुख्तलिफ आरोज के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 जो है उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस जो है ना वो ले लिए हैं, ऑलरेडी ले लिए हैं। जिस जिस शख्स ने इनकार किया है ऐसा करने से, हमारी इतलात के मुताबिक उनको पकड़ के उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है और अंडर ड्यूरेस उन सभी ये सिग्नेचर्स ले, तो वर्चुअली बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म्स 45 के ऊपर अपने अपने सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं और अपने थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो भी लगा दिए। सो कोशिश जो है इस हुकूमत की, हुकूमत तो कहना मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत के लिए एक शर्म का मकाम होगा, ये जो काबिज ग्रोह है, काबिज तकबा है, उनकी कोशिश यही है कि जिस जिस तरीके से भी हो सके ये पीटीआई को किसी सूरत में कोई भी इलेक्शन जो है वो ना जीतने दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपना और अपनी पार्टी का ये रिजॉल्व जो है उसको रिएट्रेट करूँगा कि हमने जो मर्जी कर लें, हमारे साथ जो भी कर लें, उससे हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल में, कल के इलेक्शन में 8 फरवरी की तरह एक उससे भी बड़ा सरप्राइज जो है वो इनके ऊपर हम स्प्रिंग करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा कि जैसे इन्होंने 8 फरवरी को इंटरनेट को बंद किया था, इन्होंने अब कल भी इंटरनेट जो है वो बंद करने की नवीद सुना दी है, तो ये एक बड़ा मेजर कॉन्डुइट होता है जिसके जरिए ये इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तो अलहदा होता है, उसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेशन व्हीकल्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, उनको ये सलब कर देते हैं ताकि कोई एक बंदा दूसरे से बात ना कर सके और ये जिस तरह से चाहें अपने पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनको वो मैनेज करें। इसके साथ साथ जो हमारे जो मामलात हैं हमारे प्रिजनर्स के, वो भी मिलिट्री कोर्ट्स में हो या वो सिविलियन कोर्ट्स में हो, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इनमें खासकर मैं अपनी जो ख्वातीन हैं सनम जावेद, आलिया हमजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उनकी बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि इनमें से दो को, सनम जावेद को और आलिया हमजा को, कुछ 4-5 दिन पहले इन्होंने लाहौर से निकाल के, जबकि उनकी जिस मुकदमे में वो कैद थी उसके ऊपर बेल हुई है, तो उसी वक्त उनको रीअरेस्ट करके उनको सरगोधा शिफ्ट कर दिया गया। पहले दियावाली शिफ्ट किया, उसके बाद सरगोधा शिफ्ट कर दिया गया है। किन हालात में रखा गया है इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, और इसी अरसे में आलिया हमजा जो है वो सीरियसली बीमार भी हो गई, उनको मलेरिया हो गया, और अंडरस्टैंडिंग और हमारी इंफॉर्मेशन यही है कि उनको डॉक्टर वगैरह के थ्रू इलाज भी उनका नहीं करवाया गया। और इसके साथ साथ इन बच्चियों को 15 दिन के फिजिकल रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जो कि अपने तई एक इंतहाई जालमाना कार्रवाई है। तो ये बच्चियां पिछले एक साल से इस रियासत के जुल्म और जबर का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, उनका जज्बा जो है वो मान नहीं पड़ा, वो आज भी पीटीआई के साथ खड़ी हैं और उस वक्त तक कहती हैं कि हम खड़ी रहेंगी जब तक ये चाहें कि हम यहाँ रहें, उनको रख लें, जो मर्जी कर लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कहानी डिफरेंट है, शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, एक साल से तकरीबन वो जेल में बैठी हुई हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी उम्र की वजह से, मैंने जनरल ज़िया का मार्शल लॉ भी देखा है, लेकिन यकीन जानिए कि इसका अशर उशीर भी जो था वो उस मार्शल लॉ में हमने नहीं देखा था। एक वक्त था
कि हम समझते थे कि जनरल ज़िया के मार्शल लॉ से बुरा कोई वक्त आ ही नहीं सकता। आज वो हमारा समझना जो है वो चेंज हो चुका हुआ है, क्योंकि जो हमने इस दौर में देखा है पिछले दो साल में, खासकर पिछले एक साल में, मेरा ख्याल है कि ये शायद आपको तख्ता ज़मीन के ऊपर कोई इस किस्म की कहानी कहीं और ना मुल्क और ना मिले। तो हम हमारी अपील तो फिर जुडिशरी से ही बनती है कि जी हम उनसे फिर अपील करते हैं कि जी इन जो हमारे जो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो लोग इनको जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनको नहीं छोड़ रहे, उनके लिए बेल्स का इंतज़ाम करें और उनको इंश्योर करें कि वो रियासत के जबर से जो है वो आज़ाद हों। उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन बाहर सूरत रिपीट करने में कोई मुजायका नहीं। आज की इन बातों के अलावा बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो एक ये खान साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने आज एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये उनके सिग्नेचर्स के साथ हमने किया लिखा है और इस अब से कोई एक घंटा पहले चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस में डिलीवर हो चुका हुआ है। इसमें हमने 7 पॉइंट हैं वो हाईलाइट किए हैं और मैं उनके कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये आपको अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा जो इसका ड्राफ्ट है, सारे जो हमने जो लेटर लिखा है, सो आपको इसका ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है वो भी मिल जाएगा। इसमें कुछ एक छोटा सा प्रेफेस है, उसमें हमने कहा है कि पिछले चंद माह में जो जुडिशरी के हालात हैं पाकिस्तान में, जिस बुरी तरह से वो इफ़ेक्ट हुए हैं, जिस बुरी तरह से ये इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रम्बल किया है, जिस बुरी तरह से आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आती है। ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि ना सिर्फ ये कि वो इंसाफ दें बल्कि इंश्योर करें कि उनकी मातहत जो अदालतें हैं वहाँ भी इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किया जाएँ। लेकिन ना वो खुद इंसाफ दे सके हैं, ना ही वो अपनी मातहत अदालतों में इस किस्म की किसी चीज़ को इंश्योर कर सके हैं। सो वक्त गुजरने के साथ साथ जो स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो फर्दर डिटीरियरेट कर रही है। इसमें 7 पॉइंट्स जो हमने हाईलाइट किए हैं उनकी कंसिड्रेशन के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर वन है वो तोशाखाना है। तोशाखाना का केसेस जो नवाज शरीफ द चीफ डिकॉयट द एब्सकॉन्डर के खिलाफ जो तोशाखाना के रेफरेंस थे वो नैब के अपने कहने के मुताबिक वो ओपन एंड शट केसेस थे। गाड़ियां ली गई थी और गाड़ियां तोशाखाना से आप ले ही नहीं सकते। अब जो नैब ने अपनी एक बड़ी ही मुजक्का खेज किस्म की इंजंक्शन तो दी है वो ये है कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो तोशाखाना से ट्रांसफ़र हो गई थी नेशनल पूल में, जो कि जहाँ रियासत की गाड़ियाँ जो हैं हुकूमत की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र हुई, कब ट्रांसफ़र हुई, क्यों ट्रांसफ़र हुई और किस अंडरस्टैंडिंग के तहत ट्रांसफ़र हुई, उसके बारे में उनके पास हमें पता चला है कि कोई हकायक है ही नहीं है। लेकिन चूंकि पहले से फैसला हो चुका हुआ था कि इस चोर और इस डाकू को आपने आज़ाद करना है इन तमाम मुकदमात से, कंसिक्वेंटली ये एक प्रेमिस बना के उन्होंने कहा है कि ये तो गाड़ी कभी तोशाखाना से ली नहीं गई। और ये नैब की अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये ओपन एंड शट केस है, हमारे पास ऐसे प्रूफ्स मौजूद हैं कि ये बच ही नहीं सकते, और ये हकीकत थी, उस वक्त वो सच बोल रहे थे, आज नहीं। तो ये चेयरमैन नैब जो उन्होंने लगाया है वो भी एक सर्विंग जनरल है, और ये उसके जब से उसने टेक ओवर किया है नैब की बची खुची साख जो थी वो भी तबाह बर्बाद होकर रह गई है। कंसिक्वेंटली ये भी मामला जो है वो जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में आता है और ये चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जो चीज़ हमने हाईलाइट की है इसमें चीफ जस्टिस की अटेंशन के लिए, वो बहावल नगर का इंसिडेंट है। हमारे नज़दीक ये दो इंस्टीट्यूशंस का क्लैश है और ये इससे ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ जो है वह रियासत के सर्वाइवल और रियासत की प्रोग्रेस के लिए नहीं हो सकती है। ये जो हम कहते रहे हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून राइज है, और दूसरी बात हम ये कहते रहे हैं कि हाँ जिसके पास ताकत है वो उसके पास सब कुछ है, उसके पास जस्टिस है, वो कानून भी उसके हाथ में है, जजेस भी उसके हाथ में है, बल्कि उसकी जेब में है ये तमाम चीज़ें, ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने हमारी इस कंटेंशन को और जला बख्शी है कि अगर आप किसी एक खास अदारे को बिलोंग करते हैं और अगर पुलिस उस अदारे के उस बंदे के घर में दाखिल होकर कोई ज्यादती करती है तो वो अदारा जो है वो पूरे एक अदारे की हैसियत से एक्शन में आता है और वो पुलिस के इंस्टीट्यूशन के उन लोगों को आपने खुद देखा है कि उनकी क्या हालत की गई, किस तरीके से उनको उनकी तजलील की गई, उनको फिजिकली मारा गया, वो सब कुछ हुआ। तो दैट मीन्स कि यहाँ का जो कानून है
वो ताकतवर के हाथ में है। यहां जो ताकतवर नहीं है उसको कोई जस्टिस, कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, ना वो उसका तकाजा कर सकता है, ना भी उसका दावा कर सकता है। तो ये हमने चीफ जस्टिस साहब को, हमने दोबारा इसको पूरा इसको एलेबरेट किया है, आप खुद पढ़ लेंगे, देख लीजिएगा। हमने उन्हें कहा है कि ये आप अगर इसके ऊपर, और ये हमारे इसमें हमने अपनी जो खवातीन है उसका भी जिक्र किया है इसी पॉइंट में, और हमने उनको ये कहा है कि अगर आप इस वक्त इसका नोटिस नहीं लेंगे तो फिर हालात जिस तरीके से ख़राब हो रहे हैं वो फिर कंट्रोल नहीं हो सकेंगे, और रियासत जो है वो अल्टीमेटली कमज़ोर होने के साथ साथ फिर वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट करनी शुरू कर देती है। तीसरा पॉइंट जो हमने रेज किया है, चीफ जस्टिस साहब के को खत लिखा है जो खान साहब ने, वो है छह जजेस के का जो खत था जो कि चीफ जस्टिस को, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एड्रेस किया गया था। जब से ये खत मंजरे आम के ऊपर आया है उसके बाद भी बहुत सारी और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया है वो राधर देन के वो इस खत के मंदरजात के ऊपर एक अप्रोप्रिएट फैसला करें और आगे लेके चलें, उसको जिस फोरम को एड्रेस किया गया है वहाँ उसको सुना जाए, इन लोगों को बुलाया जाए, इनको बताया जाए कि वो किस किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला है इंटेलिजेंस एजेंसीज का और उसके जो ऑपरेटर्स हैं उनका, उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की है। पहले तो उस एक ऐसे बंदे को जिसको एक्यूज़ किया गया है खत में, एग्जीक्यूटिव को, उसको उन्होंने एम्पावर किया जी कि आप जाइए कमीशन बनाइए और आप ही जाइए और इस कमीशन का हेड भी बनाइए। जो जिस बंदे को हेड बनाया उसने रिक्यूज किया अपने आप को, उसने कहा जी कि इन टीओआर के अंदर मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकूंगा, जो कि इस हकूमत का खासा रहा है। ये इंसाफ नहीं चाहते बल्कि इंसाफ को सलब करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब बैकआउट किया तो उस वक्त जो ओरिजिनल डिमांड थी लेटर में 1843 के तहत, वो उन्होंने फिर उसको लिया और अपने फुल कोर्ट बनाने की बजाय सात जजेस की कोर्ट बना दी, उनमें से एक अब रिक्यूज कर चुका हुआ है तो छह जजेस की कोर्ट रह गई है। उसके बाद सुनवाई की जाती, जजेस को बुलाया जाता, उसे शहादतें मांगी जाती, उनसे पूछा जाता कि जी आपको साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ। इन्होंने उसको एक लंबी तारीख डाल के रख दी और अब एक लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप इन जजेस से बात करें। अब ये छह जजेस हैं और टोटल स्ट्रेंथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आठ जजेस हैं, उनमें एक सुप्रीम कोर्ट भी है, और जो आठवां जज है उसने भी इस खत के मुंदरजात से इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसने ये कहा कि शायद इसको पब्लिक डोमेन में अपना लेके जाइए, इस वजह से उन्होंने साइन नहीं किए। सो वर्टली इंटायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन खदशात का इजहार किया हुआ है। सो आई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सो उस चीफ जस्टिस को एम्पावर किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि आप जो है इन जजेस के साथ बैठ के इनकी बात सुने। और भाई जो खुद चोर है वो चोरी क्यों पकड़ेगा, जो खुद डाकू है वो डाका क्यों पकड़ेगा, जो खुद इंसाफ को वायलेट करने वाला, कानून को वायलेट करने वाला, आईन को वायलेट करने वाला शख्स है वो बाकी आईन को वायलेट करने वाले या कानून को वायलेट करने वाले बंदों को क्यों पकड़ेगा, वो तो उनको तहफ्फुज फराहम करेगा। तो हम फील करते हैं कि ये जो उनका स्टेप है ये आईन और कानून के तकाजों के मुनाफी है, और ये मुजरिमीन को पनाह देना वो इसका मोटिव है, राधर देन के मुजरिमीन को पकड़ के उनको सजा देना। तो ये तीसरा पॉइंट है जो हमने रेज किया उनके साथ, और हमने कहा है जी कि इस अपनी रविश को बदलें। चौथा पॉइंट हमने उन इन कैदियों के बारे में उठाया है कि 9th of May के जो आपने हजारह लोग पकड़े हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है वो बेगुनाह लोग हैं। आपके भी इल्म में आ रहा होगा कि वो लोग, एक लड़की है वो पता नहीं कोई बायोनिक वोमन है हमारी जो आलिया हमजा, उसको विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स उसके खिलाफ चार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और वो चार जगह जो हैं वो आपस से सैकड़ों मील दूर हैं। सो इस किस्म की बेहूदगी के बावजूद हमारी अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। इसमें हमने अपनी खवातीन का भी जिक्र किया है कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या सलूक किया गया है, और मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें कि हम फील करते हैं कि जो रियासत है उन्होंने जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर तीनों रोल्स वो अपने तई जो हैं वो वक्फ कर लिए हैं, और वो सारे जो ये पावर्स हैं इनकी इनको इनको इनका इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ
पीटीआई के लोगों को पनिश करने के लिए, बाकी चोर, बाकी डाकू, बाकी टेररिस्ट्स, बाकी कच्चे के रूलर्स जो अब पक्के के रूलर्स बन चुके हुए हैं, इन तमाम को ना सिर्फ आजादी है बल्कि स्टेट प्रोटेक्शन हासिल है उनको, और उसमें जुडिशरी कंप्लिसिट है, एग्जीक्यूटिव तो कंप्लिसिट है ही, उसमें जुडिशरी भी कंप्लिसिट है। कैसे? वो इसलिए कि अगर वो अपने अदालतों का इस्तेमाल नहीं करेगी इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन जुराइम को सलब करने के लिए, तो वो कंप्लिसिट बन जाती है। उनको एक कोई प्रनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ेगी, एक ऐलान नहीं करना पड़ेगा कि जी हम इस जुर्म में जो है हम शरीकेकार बन रहे हैं, बल्कि उनका जो कॉन्टेक्ट होता है वो जाहिर करता है कि क्या वो जुर्म को खत्म करना चाहते हैं या जुर्म को और बढ़ाना चाहते हैं। तो हम फील करते हैं कि अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्ट की वजह से ये अदालतें जो हैं ये जुराइम में शरीकेकार बनी हुई हैं, और इनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी भी लोगों का रोल है लेकिन उनका रोल जो है वो सबसे ज्यादा नुमाया है। नंबर पांच के ऊपर हमने जो हाईलाइट किया पॉइंट जो वो कमिश्नर रावलपिंडी का जो है उनकी जो स्टेटमेंट थी, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी उनकी। होना तो ये चाहिए था कि जब उनकी वो स्टेटमेंट सामने आनी, और स्टेटमेंट क्या थी उसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में बयान किया था कि किस तरीके से इलेक्शंस का रुख मोड़ा गया, किस तरीके से जीते हुए लोगों को हराया गया और हारे हुए लोगों को जितवाया गया, उसमें उन्होंने प्रूफ भी बताए थे, सारा कुछ दिया था। किसी भी कोर्ट और इंसाफ का जो तकाजा वो ये डिमांड करता था कि आप उसको बुलाते, आप उसकी स्टेटमेंट लेते, आप उससे प्रूफ्स लेते, और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा कार जो है उसको वसी करके कल्प्रिट्स को पकड़ने की कोशिश करते। लेकिन हुआ क्या, वो बंदा गायब कर दिया गया, रियासत ने उस बंदे को गायब कर दिया, उसको टॉर्चर का निशाना बनाया गया, और उसको उन लोगों की तरह जो कि पीटीआई के मेंबरान थे जिनको उल्टा लटकाया जाता था पकड़ के, उसके साथ भी ऐसा ही सलूक रवा रखा गया, और उससे एक कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई कि जी मैं इसको, ये ठीक नहीं है। उसके बाद वो बंदा आज तक गायब है। हमने चीफ जस्टिस से इस्तदा की है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कमिश्नर रावलपिंडी को प्रोड्यूस किया जाए अदालत में, आप उसको प्रोड्यूस करवाएं और अपनी प्रेजेंस में आप उसकी स्टेटमेंट लें ताकि आपको हकायक जो है उसका इल्म हो सके और उसके मुताबिक आप इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना सकें। नंबर छह के ऊपर हमने उनको याद दिलाया है कि हमारी दर्जनों पिटिशंस जो हैं मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जनाबे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसके सरबराह हैं वहां पेंडिंग पड़ी हुई है, और उन पिटिशंस को फिक्स नहीं किया जा रहा। पिटिशंस को फिक्स ना करना जो है वो इंसाफ की फराहमी से इनकार है, ये एक जुर्म है आईने पाकिस्तान में। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं? हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हां वो इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। बाय रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड जस्टिस अगेंस्ट पिटिशंस विच हैव बीन लॉन्ग आउटस्टैंडिंग टू बी फिक्स्ड, वो इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमने उनको याद दहानी कराई है इस लेटर में कि इन पिटिशंस को फिक्स करें, इन पिटिशंस को सुने और इंसाफ फराहम करें। सातवां जो पॉइंट है हमने उनको लिखा है, आखिरी पॉइंट है वो, जिस तरीके से हमारी रिजर्व सीट्स जो हैं हमें हमसे छीन के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में उनकी बंदर बांट की गई है, जो ना आईन में दर्ज है, ना कानून में दर्ज है, ना ही किसी डेमोक्रेसी में यह रिवाज है, जो अपनी 2/3 मेजॉरिटी को इंश्योर करने के लिए डाका डाला गया है। एक तो 8-9 फरवरी को डाका डाला गया था, अब ये जो कंटिन्यूस डाका डाल रहा है, कभी वो हमारी रिजर्व सीट्स लेके भाग जाते हैं, कभी वो रिकाउंटिंग में हमारी सीटें जो है वो हमसे छीन रहे हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमने उनकी इसकी याद दहानी कराई है कि ये रिजर्व सीट्स जो हैं ये तमाम एट सम पॉइंट इन टाइम कोर्ट्स ऑफ लॉ में लैंड करेंगी और ये रिजर्व सीट्स हमें मिलेंगी। ये आप ना कानूनी काम कर रहे हैं ना आईनी काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आप एक फस्ताई रियासत और एक फर्द वाहद की जो अना है उसकी तस्कीन कर रहे हैं, उसकी मसाज आप कर रहे हैं। तो ये ऐसे काम से रियासतें जो हैं वो आगे नहीं चल रही। इसके बाद जो कंक्लूडिंग है इसका पैराग्राफ, हमने उसमें उनको
याद दहानी कराई है कि जब इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक पिटिशन गई थी तो ये खुद उस पिटिशन में अपने लॉयर बने थे, वकील बने थे, और आपको याद होगा कि ये अदालत में खड़े हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में आईने पाकिस्तान पकड़ा हुआ था और उसने कहा था कि खुदा के बाद ये वो किताब है जिसको मैं फॉलो करता हूं। लेकिन किया क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस आईन की किताब की धज्जियां उड़ा दी है। उसने ना सिर्फ पूरी कौम का मुंह साल खाल कालक उसके ऊपर कालक मली है, बल्कि पूरी जुडिशरी के ऊपर उसने कालक मली है। इस जुडिशरी के बहुत से जुराइम हैं, 76 साल की तारीख भरी पड़ी हुई है उन जुराइम से। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के इन्वेंटर्स हैं ये, कूस जो होती थी उनको लिजिटिमाइज करने के ये गिल्टी हैं, अदालतों के ऊपर अटैक करने वाले लोगों को छोड़ने के मुल्क ने, इंसाफ बेचना जो है वो इस जुडिशरी का एक वतीरा बना हुआ था, उसके बावजूद अभी तक चल रहे थे। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, ये आईन की किताब पकड़ के उसके ऊपर कसम खा के उसी की धज्जियां बखेरना जो है, वो बंदा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रह सकता। इसको ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए, ये हमारा तकाजा भी है और ये हमारी डिमांड भी है और ये हमने इस खत में तहरीर भी किया है। हमने उनसे ये तकाजा भी किया है कि अब वक्त आ गया है कि या तो आप अपनी जो अवॉइड प्रिंसिपल्स हैं, जब आपने आईन ने पाकिस्तान हाथ में लेके कसम खाई थी कि आप इसको फॉलो करेंगे, या तो आप उस रास्ते पे चलें या फिर आप ये जो गद्दी है इसको छोड़ के कहीं और आप चले जाएं जहां जो डिजर्व करती हैं आप जाना। और एक आपने ये फिनिश दिस लेटर, एक कोटेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिन्होंने कहा था, द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ दोज हु डू ईवल बट बिकॉज ऑफ दोज हु लुक ऑन एंड डू नथिंग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ फराहम ना करके चोरों, डाकुओं और लुटेरों के गिरोह में शामिल हो चुके हुए हैं। ये आईनी पोजिशन जो है इसके ऊपर उनका कोई हक नहीं कि वह बराजमान रहें। अगर वह इंसाफ नहीं कर सकते तो इसको छोड़ दें।